हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं आपको कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में बताऊंगा जिनमें 99% लोग डिफरेंस नहीं जानते। काफी इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स हैं और सभी कंपिटेटिव एग्जाम्स में, सभी परीक्षाओं में ये वर्ड्स पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो क्लास को। देखिए, सबसे पहला पेयर है चाइल्डिश एंड चाइल्डलाइक। इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है? देखिए, चाइल्डिश होता है बचकाना, ये एक नेगेटिव वर्ड है। चाइल्डलाइक होता है बच्चों जैसा या निर्दोष या मासूम, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। और एक वर्ड की जगह यदि आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर उसका यूज या वो जो सेंटेंस है जिसमें आप इन वर्ड्स को यूज कर रहे हैं वो आपका गलत हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस। देखिए, ये एक एग्जाम्पल सेंटेंस है। He is a mature person, but sometimes his behavior is childish. वह एक मैच्योर व्यक्ति है लेकिन उसका बिहेवियर कभी कभी बचकाना रहता है, मूर्खों जैसा रहता है, चाइल्डिश रहता है। तो ये सेंटेंस यहां पर सही है। अब चाइल्डलाइक का सही यूज देखिए। A grown woman with a childlike face. वो एक ऐसी औरत है जिसका बच्चों जैसा फेस है। तो यहां पर चाइल्डलाइक का यूज बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से इन वर्ड्स को हम यूज करते हैं। दूसरा पेयर देखिए, कंटिन्यूअल एंड, देखिए कंटिन्यूअल होता है रुक रुक कर, लगातार तो होता है लेकिन रुक रुक कर, जैसे रुक रुक कर बारिश होती है, जबकि कंटिन्यूअस होता है बिना रुके लगातार। इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। अब देखिए इनके एग्जांपल सेंटेंस। कंटिन्यूअल मींस स्टार्ट एंड स्टॉप, स्टार्ट एंड स्टॉप, ये होता है कंटिन्यूअल, लेकिन कंटिन्यूअस होता है लगातार बिना रुके। अब आप यहां पर देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस, इट रेन्ड कंटिन्यूअली द होल डे, मतलब पूरे दिन बारिश हुई लेकिन रुक रुक के बारिश हुई। पूरे दिन तो बारिश हुई लेकिन रुक रुक के बारिश हुई। तो इसलिए यहां पर कंटिन्यूअली का जो यूज है वो सही है। कंटिन्यूअस का यूज देखिए, इट रेन्ड कंटिन्यूअसली फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट तक लगातार बिना रुके बारिश हुई। तो ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, क्रेडिबल एंड क्रेडिटेबल। क्रेडिबल क्या होता है? क्रेडिबल होता है विश्वास के लायक, कोई भी ऐसी चीज जिस पर आप विश्वास कर सके उसको हम बोलते हैं क्रेडिबल। जबकि क्रेडिटेबल एक्चुअली एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रशंसनीय, जिसको आप क्रेडिट दे सकें। क्रेडिटेबल मतलब जिसको आप क्रेडिट दे सकें, जिसकी आप प्रशंसा कर सकें। तो ये इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। अब आप यहां पर देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस, This is a completely credible testimony. मतलब ये एक ऐसा प्रूफ है, एक ऐसा एविडेंस है जो पूरी तरीके से क्रेडिबल है, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, और ये सेंटेंस है सही। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, The student's effort on the essay, though not outstanding, was creditable. मतलब स्टूडेंट ने जो एफर्ट डाला उस essay को, उस निबंध को लिखने में, वो क्रेडिटेबल था, वो प्रशंसनीय था। तो यहां पर क्रेडिबल की जगह क्रेडिटेबल या क्रेडिटेबल की जगह क्रेडिटेबल वर्ड आप यूज करते हैं तो आपके सेंटेंस और आपका यूसेज जो होगा वो हो जाएगा गलत। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स देखते हैं, सेंसर एंड सेंसर। देखिए, CENSURE सेंसर जो होता है उसका मतलब होता है आलोचना करना, किसी चीज को डिसअप्रूव करना। जबकि सेंसर होता है CENSOR, इसका मतलब होता है रोक लगाना या किसी चीज को हटाना। जैसे फिल्मों में कोई भी ऐसा एलिमेंट है या कोई भी ऐसा पार्ट है जिसको दर्शकों को या ऑडियंस को नहीं दिखाया जा सकता, पब्लिक को नहीं दिखाया जा सकता, उसको सेंसर कर दिया जाता है, उस पर रोक लगा दी जाती है, उसको जो फिल्म बोर्ड होता है वो हटा देता है वहां से। तो उसको हम बोलते हैं सेंसर, दैट इज CENSOR। जबकि CENSUR का मतलब होता है आलोचना करना या डिसअप्रूव करना किसी चीज को। यहां पर आप एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख सकते हैं, इसके थ्रू आपको ये मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। द कंट्री फेसेस इंटरनेशनल सेंसर फॉर इट्स अलीज्ड इन्वॉल्वमेंट इन द असैसिनेशन। असैसिनेशन में ये माना जा रहा है कि ये जो किसी की हत्या हुई है, असैसिनेशन हुआ है, उसमें इस कंट्री का रोल माना जा रहा है और इसकी बहुत आलोचना हो रही है। तो यहां पर सेंसर वर्ड का यूज सही है। दूसरा देखिए, दिस बुक वॉज हैवीली सेंसर्ड व्हेन फर्स्ट पब्लिश्ड। मतलब इस बुक में से काफी काफी पार्ट्स को जो सही नहीं था उसको हटा दिया गया था, उसको सेंसर कर दिया गया था।
जब ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी। तो ये इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है, बहुत ही यूजफुल ये एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स कैनवास एंड कैनवास, एक होता है CANVAS और एक होता है CANVASS। कैनवास होता है मोटा कपड़ा जिसके ऊपर हम लोग पेंटिंग करते हैं, कैनवास जिसको हम बोलते हैं, और कैनवास CANVASS होता है वोट मांगने के लिए जाना या किसी चीज को प्रमोट करना। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। यहां पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस, ही इज कैनवासिंग फॉर द बीजेपी, तो यहां पर CANVASS आएगा। और CANVAS का क्या कैसे सेंटेंस बनेगा, आई लव स्लीपिंग अंडर कैनवास, मतलब मोटा कपड़ा, ठीक है। तो CANVASS होता है वोट मांगने के लिए जाना, प्रमोट करना, जबकि CANVAS होता है एक मोटा कपड़ा। तो इस तरीके से ये वर्ड्स में मैंने आपको डिफरेंस बताया है। आई होप आपको ये सारे डिफरेंसेस काफी यूजफुल लगे होंगे। यदि ये वीडियो क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।